कोरोना का आरंभिक काल मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हालात एक अवांछित ठहराव लेकर आया। ऐसे में झारखंड सरकार ने कोविड 19 के साथ साथ कुष्ठ निवारण के कार्य की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड की सेवा के क्षेत्र में एक नए प्रयास की शुरुआत की। इसके लिए एक गूगल शीट बनाया गया जिसमें जिला स्तर पर उन मरीजों के आंकड़े प्रविष्ट करने थे जिन्हें आवश्यकता अनुसार चिकित्सा कर्मी तथा दवाइयां भेजने की आवश्यकता थी। शीघ्र ही विभाग इस नतीजे पर पहुंचा कि एक समर्थ वेबसाइट का निर्माण इसमें सहायक हो सकता है। विभाग द्वारा लगातार राज्य से ऑनलाइन क्षेत्रीय जिला प्रखंड के कार्यक्रमों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया। वेबसाइट के माध्यम से एक माह का आंकड़ा तो आसानी से संग्रहित हो सकता था लेकिन इससे कोविड 19 पूर्व के मामलों को प्राप्त करना संभव नहीं हो पा रहा था। तब अगले कदम के रूप में विभाग ने कुष्ठ प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने की योजना पर कार्य करने का उपक्रम किया। एनएचएम झारखंड के अथक प्रयासों से संग्रहित आंकड़ों को जीआईएस मैपिंग पर डालना संभव हो सका। अब राज्य के 24 जिलों 260 प्रखंडों तथा 33,210 ग्रामों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। मेरे पापा हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसमें दवा मिलता है, मेरा अंग ठीक हो रहा है। हमको भी अब बच्चा सब हमको खिलाते हैं, अब हम स्कूल भी जाने लगे। मैपिंग को 3 जोन में बांटा गया। पहला निरंतर प्रसारित जोन, दूसरा मध्यम प्रसारित जोन तथा तीसरा गैर प्रसारित जोन। हमने राज्य के सभी ग्रामों का जीआईएस मैपिंग कराई है जो देश में किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। ये एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है और जीआईएस मैपिंग के आधार पर 8,652 ग्राम आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर कुष्ठ रोगी हैं और इन गांवों में फोकस्ड स्ट्रेटजी के तहत हम कार्य कर रहे हैं। जीआईएस मैपिंग के लिए उम्र, लिंग, कुष्ठ का प्रकार, बच्चे बच्चों में विकलांगता, GD2, लेप्रा प्रतिक्रिया, DPMR तथा विकलांगता के प्रकार को भी ध्यान में रखा गया। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से हम लोगों ने ये चिन्हित कर लिया है कि किन किन जगहों पर हमारे इस तरह के कुष्ठ रोगी हैं और उनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और बहुत जल्दी उनके भी कुष्ठ उन्मूलन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार प्रयासरत है, आशा है इस महत्वपूर्ण कदम के द्वारा कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को अंजाम तक सफलतापूर्वक पहुंचाया जा सकेगा तथा निकट के वर्षों में हम झारखंड को कुष्ठ मुक्त राज्य बनाने में समर्थ हो सकेंगे।